व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज लास्ट डे है हमारा TGL में। पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर स्टे किए हुए हैं। अभी हम निकल रहे हैं प्रतापगढ़ फोर्ट के लिए। बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है ये महाबलेश्वर का। और हमने अपने लड़कों को समझा दिया है कि जो भी बाथरूम में साबुन शैम्पू जितने भी हैं सब रख लो, उन चीज़ों पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको उठाने के लिए कानून ने कोई ऐसा लॉ भी नहीं बनाया है, तो आराम से हम उठा सकते हैं। भर लिया ना? भर लिया। ठीक है, दोनों बाथरूम से उठा के रखना है, बराबर दोनों से है ना, टूथपेस्ट ब्रश वैसा सब कुछ। टॉवल तो नहीं रखा ना? नहीं, टॉवल पे हमारा अधिकार नहीं है। लाइट अभी कट गई है इसलिए सही से सबकी शक्ल नहीं आ रही है। चलिए हम बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रतापगढ़ फोर्ट। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन चेकआउट तो करना पड़ेगा ना भाई कभी ना कभी। तो गाइस, यहाँ की खूबसूरती के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। अगर देखना है इसका पूरा वीडियो तो पिछले दो तीन वीडियो चेकआउट कीजिए, पूरे अच्छे से मैंने TGL को दिखाया है। ये भैया हमारे चित्रकूट के हैं। TGL में आप आएंगे तो आप इनसे ज़रूर मिलेंगे। सर, माय नेम इज दिनेश कुमार यादव। दिनेश कुमार यादव जी हैं। रोड टैक्स दिया जा रहा है यहाँ पर, देखिए। लेकिन लोकल है ये, बच जाएंगे। ओ भाई कक्की, हेलो, इतना आड़ल होते जाएंगे नलिक पे। ये हम पहुँच गए महाबलेश्वर बस स्टॉप। बस से आप आओगे तो आपको यहाँ उतरना होगा। तो 20 किलोमीटर के बाद हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है। जगह बहुत प्यारी दिख रही थी, इधर राफ्टिंग हो रही है। मैं कहा चल के थोड़ा सा ये जो पानी का बहाव है वो देखते हैं। और पूरा एकदम हरियाली के बीच में घिरे हुए हैं। अभी प्रतापगढ़ फोर्ट यहाँ से 10 किलोमीटर और है। तो अभी हम लोग गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर है प्रतापगढ़ फोर्ट। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली वी आर हेयर, वेलकम टू प्रतापगढ़ फोर्ट। पहली बार इतने खूबसूरत किले पे मैं चढ़ाई करूँगा। दोन वर्षांमध्ये किल्ला बनवला। किल्ल्याचे आर्किटेक्ट हिरोजिंदुलकर, मोरोपंत पिंगळे, आरजोजी यादव। तो गाइस, बेसिक तो आपको देखो इंटरनेट से भी मिल जाएगा, बट कुछ लोग यहाँ पर गाइड लेते हैं। गाइड लोगों तो अच्छी बात है, वो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करेंगे ना तो आप वो स्टोरी में आप खोते जाओगे। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो आप उस एरा में पहुंच जाओगे जिस एरा में ये पूरा किला का निर्माण हुआ था। हाँ, ये फॉर्मेट तो जाता का ही है। पहले इसमें हैंडल लगा करके ऐसे, लेकिन ये बहुत भारी है हैंडल के हिसाब से। हाँ, तो वो टाइम पे तो पीसी देते होंगे लोग। वो कल वाली टाइम मशीन वाली घड़ी मिल जाती ना, 300 साल पीछे जा करके मैं देखता इसको पूरा। मूवी देखी अपने? हाँ, उसी टाइम का है। अभी तो डस्टबिन बना दिए। अब बताओ, यहाँ से जाने का मन करेगा? इतनी ऊंचाई पे हैं और मस्त हवा लग रही है। ये एरिया फ़ोटोशूट के लिए है।
अगर एक आदमी घुस जाए ना फिर दूसरे आदमी की एंट्री नहीं हो सकती। स्वप्निल आ जाओ, स्वप्निल कुछ ले रहा है क्या? हाँ तो अच्छा, ऐसा क्या बोल रहा? उस साइड का अच्छा आ रहा है, इस साइड का नहीं आ रहा है। अरे कैसे हो सकता है ये, जिस साइड भी खड़े हो जाओ सारा साइड अच्छा है। तो गाइज मेरे पीछे आई तुलजा भवानी देवी का मंदिर है और ये शिवाजी महाराज के लोग बताते हैं कि ये देवी शिवाजी महाराज की कुल देवी थी और इनके आशीर्वाद से उन्होंने सारे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। अभी मैं अंदर गया, मंदिर में दर्शन किया, क्या गजब की वाइब्स है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स। इस तरफ तोप रखे गए हैं, तोप का कुछ सामान है, बहुत हैवी है। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये मंदिर के बाहर, खुशबू भी अच्छी आ रही है और लगता है चूल्हा जलाए हैं, पूरे गांव वाली खुशबू आ रही है। एक एक चाय पीते हैं यार। टोटल 6 पॉइंट्स हैं, सॉरी टोटल 8 पॉइंट्स हैं। हमने क्या क्या कवर किया? अरे अभी इतना सारा है, मुझे लगा हो गया। नहीं यार अभी देखने को नहीं मिलता, ये मशाल महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा ये नहीं मिलता? हाँ, दिसंबर या जनवरी महीने में मनाया जाता है ये मशाल महोत्सव। अच्छा पूरे किले पे ऐसे मशाल लगा दिए। हाँ और अपने फटाखों की आतिशबाजी करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे बालक के लिए? अच्छा मेरे को लगता है अपन जिधर से आए पहला ही है। चलो मतलब 3 पॉइंट कवर हो गए। चलो मतलब अभी बाकी है। बड़ी बड़ी रोटियां बन रही है। नवंबर दिसंबर में वो मसाल, हाँ मसाल महोत्सव दिसंबर जनवरी महीने में मनाया जाता है। बोल रहे कि मसाल महोत्सव दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है, तो ये दिसंबर से कम है क्या? देख के लग नहीं रहा दिसंबर आ गया। जनवरी महीने तक क्लाइमेट इधर का ऐसा ही रहता है, धूप ज्यादा निकलती है। जय हो बजरंग बली। ओ क्या गजब का दरवाजा है, तब तक मैं जाकर ले लेता हूँ। तो गाइज़ मैं हूँ केदारेश्वर मंदिर के अंदर और यहाँ पे लिखा गया हुआ है तो बताने की ज़रूरत है नहीं, जब शिवाजी महाराज अफजल खान को मारने गए थे तो यहीं पे अभिषेक किए थे कि आज उसको ख़त्म करके आएंगे और वो इच्छा उनकी पूरी हुई। तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी इच्छा आप मांगोगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। आप सभी लोगों की तरफ से मैं आपके लिए एक अच्छी लाइफ की शुभकामना करता हूँ और मैं अपने लिए भी इच्छा मांग लेता हूँ। ऐसी इच्छा मांगी है ना, ऐसी इच्छा मांगी है कि समझो कि 1,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करूंगा और वो बहुत जल्द पूरा होगा। बता रहा था, तुम बोले ना इच्छा पूरी होती है, तो 1,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाए वही सब डिटेल बता रहा था। यार एंट्री ले ले यार। तो गाइस प्रतापगढ़ फोर्ट का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर आप बताना लाइक और कमेंट करके। मुझे तो बड़ी खुशी मिल रही है कि इस चीज़ को मैं अपने ब्लॉग में डॉक्यूमेंट कर पाया हूँ और किले से नीचे तक देखो ये बिल्कुल नंगे पाँव में उतर के आया। मैं चाहता था कि यहाँ के ज़मीन की जो एनर्जी है वो मेरे शरीर के अंदर जाए और जूता हाथ में लेके मैं उतरा हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स भी लिए आपने तो देखा ही होगा। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही है, नेक्स्ट ब्लॉग फिर किसी चीज़ पे देखते हैं क्या मैं कर सकता हूँ। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो ऐसे ही और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो एक लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।